Hello, friends. I am Chandana and welcome you to our channel TrustLogix tutorial. TrustLogix is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters, and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying.

इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियरिंग आर एंड डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी टू रेज इट्स कंट्रीब्यूशन टू द सेक्टर टू फोर्टी फाइव परसेंट इन द अपकमिंग फाइव ईयर्स ओके सो किस राज्य के सरकार ने इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया है जिससे कि इस सेक्टर में वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आके आगे अपकमिंग पाँच साल में आने वाले पाँच साल में फोर्टी फाइव परसेंट कंट्रीब्यूट कर पाए बढ़ा पाए ओके इस कंट्रीब्यूशन को फोर्टी फाइव परसेंट और बढ़ा पाए रेज कर पाए आने वाले पाँच साल में तो किस गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लॉन्च की है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी सो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं ए तमिलनाडु b goa c karnataka and d west bengal so here the correct answer is karnataka okay the karnataka government launched engineering research and development policy to raise its contribution to the sector to 45% in the upcoming 5 years okay सो कर्नाटक की सरकार ने कर्नाटक गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है जिस पॉलिसी का नाम है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियरिंग आर एंड डी पॉलिसी टू रेज इट्स कंट्रीब्यूशन टू द सेक्टर टू फोर्टी फाइव परसेंट इन द अपकमिंग फाइव ईयर्स आने वाले पाँच साल में फोर्टी फाइव परसेंट कंट्रीब्यूशन बढ़ाया जाएगा इस सेक्टर में और इस पॉलिसी को लॉन्च किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने और इस पॉलिसी का नाम क्या है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी ओके सो so, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो क्वेश्चन नंबर टू सेकंड क्वेश्चन इज वॉट वॉज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो इंटरनेशनल वुमन्स डे कब सेलिब्रेट किया गया एट्थ मार्च को इंटरनेशनल वुमन्स डे सेलिब्रेट किया गया था सो इंटरनेशनल वुमन्स डे 2021 का थीम क्या था इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है जो एट्थ मार्च को इंटरनेशनल वुमन्स डे मनाया गया तो इस साल इंटरनेशनल वुमन्स डे का थीम क्या था सो हेयर फोर ऑप्शंस आर गिवन चूज टू चैलेंज And gender bias. Challenge comes from the change. Empower women. Okay? So, here the correct answer is choose to challenge. Okay? The theme of International Women's Day 2021 is choose to challenge. Okay? A challenged world is an alert world and from challenge comes change so let's all choose to challenge okay so yahan pe aaj ka theme kya tha international women's day 2021 ka theme kya tha choose to challenge. और इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब है कि एक challenged world. Okay? एक challenged world जो होता है वो बहुत ही alert होता है बहुत सावधान होता है और इस चैलेंज के साथ साथ बहुत चेंजेस भी आते हैं ओके सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सो लेट्स ऑल चूज़ टू चैलेंज मीन्स हम सब मिलकर के चैलेंज करते हैं बिकॉज अगर हम सब मिलकर चैलेंज करेंगे तो हम कुछ चेंज ला पाएंगे ओके सो चैलेंज कम्स चेंज चूज़ टू चैलेंज वॉज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन so let's move to next question question number 3 is which airport began its operations from march 8 2021 with the maiden flight from delhi okay किस एयरपोर्ट ने अपना ऑपरेशन 8 मार्च 2021 में शुरू किया और कौन से फ्लाइट से दिल्ली से मैडन फ्लाइट से इसने अपना ऑपरेशन शुरू किया किस एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है 8 मार्च 2021 को और किस फ्लाइट से जो कि दिल्ली से एक फ़्लाइट है मैडन फ्लाइट उससे इस एयरपोर्ट के ऑपरेशन स्टार्ट हुई है ओके सो so ये कौन सा एयरपोर्ट है आपको उस एयरपोर्ट का नाम बताना है सो हैर द ऑप्शन आर आगरा बरेली कानपुर अलीगढ़ So here the correct answer is Bareilly. Okay, Bareilly Airport has begun its operation from today, March 8, 2021. Air India's subsidiary company Alliance Air operated maiden flight from Delhi to Bareilly with an all-woman crew to celebrate International Women's Day. Okay, under the Regional Connectivity Scheme.

एट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ओके आठ मार्च दो हज़ार इक्कीस को बरेली एयरपोर्ट की शुरुआत की गई है और एयर इंडिया सब्सिडियरी कंपनी अलायंस के एयर ने सबसे पहले कौन से फ्लाइट को ऑपरेट किया है दिल्ली से बरेली के लिए मैडन फ्लाइट को सबसे पहले ऑपरेट किया और इसमें सारी वुमेन क्री थी इंटरनेशनल वुमेंस डे को सेलिब्रेट करते हुए इस एयरपोर्ट को स्टार्ट किया गया है ओके अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंडर फ्लाइट जो भी दिल्ली और बरेली के बीच जो भी फ्लाइट है वो अलायंस एयर के थ्रू ऑपरेट की जाएगी आज से हर वेडनसडे फ्राइडे सैटरडे और संडे को ओके एलायंस एयर की तरफ से हर वेडनसडे फ्राइडे सैटरडे और संडे को दिल्ली और बरेली के बीच फ्लाइट्स ऑपरेट की जाएगी और बाद में इंडिग, इंडिगो से ऑपरेट की जाएगी सारी फ्लाइट्स, ओके सो रीजनल एयरपोर्ट जो है वो बहुत जल्दी ही लखनऊ से भी कनेक्ट होने वाला है ओके क्लियर सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो हेयर द क्वेश्चन नंबर फोर इज विच टू टीम्स हैव मेड इट टू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल किस दो टीम ने मिलकर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल जीता है सो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं न्यूजीलैंड इंडिया ऑप्शन बी इंडिया इंग्लैंड ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ऑप्शन डी इंडिया ऑस्ट्रेलिया सो हेयर द करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड इंडिया द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड विल बी प्लेड एट द

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया ओके okay? और ये फाइनल जो है ये कब खेला जाएगा ये खेला जाएगा 18 जून से लेकर 22 जून ओके okay? और 23 जून जो है ये रिजर्व डे की तरह रखा जाएगा ओके इट विल बी एज इट हैज़ बिन एज द रिजर्व डे जून 23 एंड जून 18 टू 22 तक ये मैच चलेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में कहाँ पे होगा साउथहम्पटाउन के एजिस बाउल में यह मैच होगा ओके सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो हेर द क्वेश्चन नंबर फाइव इज विच नेशन वोटेड टू बैन फुल फेस कवरिंग्स इन पब्लिक प्लेसेस किस देश ने पब्लिक प्लेसेस में पूरा फेस कवर करने को बैन कर दिया है ओके okay? शन वोटेड टू बैन फुल फेस कवरिंग इन पब्लिक प्लेसेस सो यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फिनलैंड स्वीडन स्पेन स्विटरलैंड ओके सो हेयर द करेक्ट आंसर इज स्विटरलैंड स्विट्जरलैंड ऑन मार्च सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन नैरोड इन फेवर ऑफ अ प्रपोजल बैनिंग full facial coverings including the burqa and niqab in almost all public places in the public referendum around 51.21% of voters voted in support of the controversial proposal okay switzerland Me, 7 march 2021 mein, 21 ko, इस प्रपोज़ल को वोट करवाया गया ठीक है और इस प्रपोज़ल का वोट में ज़्यादा से ज़्यादा इसके फेवर में ही थे और ये कौन सा प्रपोजल था ये प्रपोज़ल था कि फुल पब्लिक प्लेसेस में आप फुल फ़ेस कवरिंग नहीं कर सकते इसको बैन कर दिया जाएगा जिसमें कि बुरका और निकाब ये सब आप पब्लिक प्लेसेस में अलाउड नहीं है बैन कर दिया जाएगा सो ऑलमोस्ट 51.21 परसेंट वोटर्स जो है इन्होंने इस कंट्रोवर्शियल प्रपोजल को सपोर्ट किया है ओके सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो हेर द क्वेश्चन नंबर सिक्स इज विच स्टेट गवर्नमेंट इनोग्रेटेड प्रोजेक्ट्स फोर्थ रुपीज थर्टी फोर करोड़ इन सोलान किस राज्य के सरकार ने चौतीस करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया है सोलान में विथ स्टेट गवर्नमेंट इनॉगरेटेड प्रोजेक्ट्स वो रुपीज थर्टी फोर करोरस इन सोलैंड सो हेयर द ऑप्शंस गिवेन आर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश हरियाणा ओके सो हेयर द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ऑन मार्च सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन inaugurated and laid the foundation stone of projects worth rs 34 crores in solan while speaking at the occasion the chief minister stated that the formation of the municipal corporation in solan will ensure that the proper planning and systematic development of the town so that it can maintain its fame and glory हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 7 मार्च 2021 को बताया कि वो एक प्रोजेक्ट शुरुआत करने वाले हैं जिस प्रोजेक्ट में जो कि सोलान में हो रहा है ओके ये प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगाए हैं फाउंडेशन स्टोन स्टार्टिंग में कितने पैसे लगे हैं इस प्रोजेक्ट में 34 करोड़ 34 करोड़ पैसे लगाए गए हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ओके okay? और जब इस ओकेजन पे वो बात कर रहे थे तो चीफ़ मिनिस्टर ने बताया कि म्यूनिसिपल सोलान में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन किया जाएगा जिससे कि पूरे टाउन की पूरे शहर की प्रॉपर प्लानिंग और बहुत सही से उसकी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा ताकि वो शहर बहुत अच्छा हो सके बहुत फेम कमा सके ग्लोरी में आ सके इसलिए इस सिटी पे काम किया जाएगा और इसलिए हिमाचल प्रदेश के सीएम ने यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया थर्टी फोर करोड़ का और ये कब किया है सात मार्च दो हज़ार इक्कीस में ओके सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो हेयर द क्वेश्चन नंबर सेवन इज बिलियनर ओलिवियर डिस पास्ट अवे इन हेलीकॉप्टर क्रैश ऑन मार्च सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ही वॉज अ मेंबर ऑफ विच नेशंस पार्लियामेंट बिलियनर ओलिवियर डिसॉल्ट 7 सात मार्च को हेलीकॉप्टर क्रैश जो हुआ उसमें वो डेथ हो गया उनका ओके okay? सो so, ये किस देश के पार्लियामेंट के मेंबर थे ओके बिलियनर ओलिवियर डिसॉल्ट जिनका सात मार्च 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में देहांत हो गया है वो किस देश के पार्लियामेंट के मेंबर थे so here are the options germany uk france italy okay so here the correct answer is france the french member of parliament and billionaire olivier de died in a helicopter crash on march 7 2021 he was 69 years old

सो so, इनका देहांत कैसे हो गया हाउ ही डाइड ही डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश एक हेलीकॉप्टर क्रैश जो कि 7 मार्च 2021 को हुआ इसमें इनका डेथ हो गया और जब इनका डेथ हुआ तो ये कितने साल के थे ही वॉज ऑफ 69 नाइन ईयर्स ओल्ड सिक्सटी नाइन ईयर्स के थे वो और ये सर्ज डिसॉल्ट सर्ज डिसॉल्ट के सबसे बड़े बेटे थे ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ सर्ज डिसॉल्ट और ये सर्च डिसॉल्ट जो है ये बहुत ही बिलियनर इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट है ओके और इनका ये डसॉल्ट एविएशन ग्रुप जो है इन्होंने मिलकर के रेफेल फाइटर जेट्स भी बनाया था ओके सो so ये फ्रेंच मेंबर के पार्लियामेंट थे जिनका डेथ हो गया सात मार्च 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में और तब इनकी एज कितनी थी सिक्सटी नाइन ओल्ड ओके सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो है द क्वेश्चन नंबर एट इज़ Which Indian wrestler has become world number one in sixty five kg category? Sixty five kg category के में पूरे विश्व में कौन सी इंडियन रेसलर पूरे विश्व में नंबर वन पे आई है सो हेयर आर दो ऑप्शनस साक्षी मलिक बजरंग पूनिया विनेश फोगात सुशील कुमार ओके So here the correct answer is, Bajrang Punia, Indian wrestler Bajrang Punia has regained his world number one ranking after clinching a second successive gold medal at the Matteo Palicon Ranking Series. Punia defeated Tulga Tumur Ochir from Mongolia 2-2 by criteria in the 65 kg freestyle event final in Rome. On March 7, 2021, he won after getting a two-pointer in the last 30 seconds of the bout. Okay, so कौन थे वो जिन्हें विश्व में नंबर वन का मिला है रेसलर में वो हैं बजरंग पूनिया भारत के रेसलर हैं ये बजरंग पूनिया जिन्होंने पूरे देश में नंबर वन रैंकिंग हासिल किया है ओके okay? मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज़ में गोल्ड मेडल के साथ साथ इन्होंने पूरी दुनिया में नंबर वन रैंकिंग हासिल किया है इंडिया के इस रेसलर ने बजरंग पूनिया ने तुलका तुमुर ओचिर को हराया है टू बाई टू क्राइटेरिया से 65 फाइव के जी फ्री स्टाइल इवेंट में जो कि रोम में हुआ था सात मार्च 2021 को और ये तुलगा तुमुर ओचिर ये मंगोलिया से हैं इन्हों इन्हें बजरंग पूनिया ने हराया है और उसके बाद ये जीत गए लास्ट के थर्टी सेकेंड रह गए थे और तब ये जीत गए एंड ही बिकेम द वर्ल्ड नंबर वन रेस्लर ओके सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो हेर द क्वेश्चन नंबर नाइन इज विच ईयर इज चूजन एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ओके सो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की तरफ से इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में किस साल को सेलेक्ट किया गया है चूज किया गया है सो हेयर द ऑप्शंस गिवन आर 2021 2023 2024 2022 सो हियर द करेक्ट आंसर इज 2021 एड इट 74th सेशन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली प्रोक्लेम्ड ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओके सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेवेंटी फोर्थ सेशन में इन्होंने प्रोक्लेम किया है बताया है कि साल दो हजार इक्कीस जो है यह है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओके सो ना लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन So, here the question number 10 and last question of today is which year is declared as the International Year of Peace and Trust by United General Assembly? Okay, so United Nation General Assembly ke taraf se kis ko International Year of Peace and Trust declared kiya so, here the options given are 2022, 2021, 2023 and 2024. So, here the correct answer is 2021. Okay. United Nations General Assembly has declared 2021 as the International Year of Peace and Trust. United Nations General Assembly has declared 2021 as the International Year of Peace and Trust. Okay. सो टू थाउजेंड ट्वेंटीय एज द इंटरनेशनल इयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट क्लियर सो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सब्सक्राइब आवर ट्रस्ट लॉजिक्स ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोज रेगुलरली सो थैंक यू एंड हैव अटे अहेड